हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज़। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि ट्रांसफार्मर में जो परसेंटेज इम्पीडेंस रहता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पर आपने देखा होगा कि परसेंटेज इम्पीडेंस भी एक टर्म लिखा हुआ रहता है। तो परसेंटेज इम्पीडेंस से हमें पता क्या चलता है, इंडस्ट्रीज़ में परसेंटेज इम्पीडेंस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पर जो परसेंटेज इम्पीडेंस लिखा रहता है, इसका सिंपल मतलब ये है कि वो ट्रांसफार्मर जब भी अपने फुल लोड कंडीशन में वर्क करेगा तो उस ट्रांसफार्मर में कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो परसेंटेज इम्पीडेंस बेसिकली हमें ये बताता है कि उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर में कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा अगर वो ट्रांसफार्मर अपने फुल लोड कंडीशन पर वर्क करता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है जिसकी वोल्टेज रेटिंग 2400/220 वोल्ट की है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप कोई भी वोल्टेज रेटिंग का ट्रांसफार्मर ले सकते हो। तो इस वोल्टेज रेटिंग के ट्रांसफार्मर में अगर मान लीजिए परसेंटेज इम्पीडेंस 3% लिखा हुआ है, तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जब आप 3% ऑफ 2400 निकालेंगे, तो ये आप करके देख लीजिए, 0.03 × 2400 जब आप करेंगे तो ये आएगा 72 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसफार्मर जब भी अपने फुल लोड कंडीशन में वर्क करेगा तो इस ट्रांसफार्मर में 72 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो परसेंटेज इम्पीडेंस है, ये तब भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है जब आप दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चलाते हैं। देखिए, कोई एक ट्रांसफार्मर मान लीजिए अगर फुल लोड कंडीशन पर वर्क कर रहा है, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि हम उस ट्रांसफार्मर के पैरेलल में एक और ट्रांसफार्मर लगा दें, ताकि दोनों ट्रांसफार्मर लोड शेयरिंग करके जो भी लोड है उसको सप्लाई प्रोवाइड करा सके, कोई एक ट्रांसफार्मर पे पूरा लोड ना आए। तो जो दो ट्रांसफार्मर को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, जिसमें से एक होता है परसेंटेज इम्पीडेंस। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करने के कौन कौन से पैरामीटर्स है जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। पर अभी अगर परसेंटेज इम्पीडेंस की बात करें, तो जब भी आप दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि दोनों ही ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस सेम होना चाहिए। अगर दोनों ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस सेम है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि दोनों ही ट्रांसफार्मर इक्वल अमाउंट ऑफ लोड शेयर करेंगे एज पर देयर केवीए रेटिंग। दोनों ही ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग भी सेम होगी, ये भी एक पैरामीटर है दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करने का। पर ये दोनों ही ट्रांसफार्मर सेम अमाउंट ऑफ लोड शेयर करेंगे अगर इन दोनों का ही परसेंटेज इम्पीडेंस सेम होता है। मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस ज़्यादा है और दूसरे ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस कम है, तो ऐसे में ये दोनों ट्रांसफार्मर को आप पैरेलल में कनेक्ट तो कर सकते हैं, पर ये दोनों ट्रांसफार्मर इक्वल अमाउंट ऑफ लोड शेयर नहीं कर पाएंगे। एक ट्रांसफार्मर में लोड ज़्यादा चलेगा, दूसरे ट्रांसफार्मर में लोड कम चलेगा। तो जिस ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस कम है, वो ट्रांसफार्मर जल्दी ओवरलोड होगा एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसफार्मर जिसका परसेंटेज इम्पीडेंस ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो लोड शेयरिंग है वो इक्वल नहीं होगा अगर परसेंटेज इम्पीडेंस आप सेम नहीं रखते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर ज़्यादा लोडेड रहेगा, एक ट्रांसफार्मर कम लोडेड रहेगा, तो आपका जो पैरेलल सिस्टम है ये ऑप्टिमम नहीं कहलाएगा, ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। आपका जो पर्पस है ये 100% सॉल्व नहीं होगा दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करने का। तो इसलिए जब भी दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि दोनों का परसेंटेज इम्पीडेंस सेम हो, ताकि सामने जितना भी लोड है वो लोड इक्वली शेयर करे वो दोनों ट्रांसफार्मर। तो एक तो ये हमें पता चलता है, दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आपके ट्रांसफार्मर में कोई एक सिंगल ट्रांसफार्मर आपने लगा के रखा है आपके प्लांट में किसी और पर्पज़ के लिए, पैरेलल ऑपरेशन की हम बात नहीं कर रहे, तो वहाँ पर परसेंटेज इम्पीडेंस ये बताएगा कि ये ट्रांसफार्मर जब भी अपने फुल लोड कंडीशन में चलेगा तो इसमें कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है एज पर मैन्युफैक्चरर, एज पर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, ये बताने के लिए आपको परसेंटेज इम्पीडेंस दिया जाता है। तो दोस्तों, परसेंटेज इम्पीडेंस का ये सिग्निफिकेंस होता है किसी भी ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, अच्छा हुआ उन्होंने ये कमेंट करके पूछा, ये एक अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।